मॉर्निंग, आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो चलिए वही चैप्टर 13, चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब कहता है क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब एक क्यूब है, तो हमने एक क्यूब बना लिया। तो ये रहा मेरे पास एक क्यूब, इस क्यूब के ऊपर कहता है इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया गया, ठीक है, तो ये मेरा समझ लीजिए एक हेमिस्फीयर बन गया। कहता व्हाट इज ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। अब क्यूब की साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो ज्यादा से ज्यादा हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरमाउंटेड है, उसके ऊपर है, तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ज्यादा उससे छोटा 7 सेंटीमीटर डायमीटर से छोटा हेमिस्फीयर जरूर हो सकता है, पर उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है व्हाट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो अब इस सॉलिड का सरफेस एरिया भी पता करना है, तो कैसे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस क्या हो गया? 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमने इसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा? पहले नीचे क्यूब है तो उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्यों? क्योंकि हमने नीचे भी बेस का भी तो पता करना है, सारे क्यूब का लेंगे, बेस का भी, टॉप का भी, तो इसीलिए बेस और टॉप भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस फिर ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा इसका, क्योंकि नीचे वाला जो टॉप है वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे। क्यों? माइनस देखिए, इस जो जो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर है उसका जो पार्ट है जो इस क्यूब के ऊपर है, तो दो बार ऐड हो रहा है ना। मान लीजिए मेरे पास ये है, इसका मैं कैसे हम बताएं, देखिए ये मेरे पास एक क्यूबाइड है, ठीक है, क्यूब है। अब इस क्यूब में ये चीज है, ये पूरा फेस है इसका, एक साइड है क्यूब की। अब मैं इसी को लेकर एक हेमिस्फीयर बना रही हूं, तो हमने क्यूब में ये फेस ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो फिर हेमिस्फीयर में तो ऐड कर ही नहीं सकते, नहीं अदरवाइज ये दो दो बार हो जाएगा ना। तो मैं उतना एरिया जितना हेमिस्फीयर और क्यूब में कॉमन है उसको क्या करने लगी हूँ? माइनस। तो उसको क्या लिखूंगी? बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 × साइड स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2πr² माइनस। अब हेमिस्फीयर का बेस किस शक्ल का होता है? ये होता है, और ये बेस सर्कल हुआ, तो इसका एरिया क्या हुआ? πr², तो ये आ गया, ठीक है। इंटू 6 साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को माइनस किया, सेम ही है सारा कुछ, तो 2πr² में से 1πr² माइनस किया, तो क्या आ गया? πr², ठीक है। तो ये 7 × 7 = 49 आ गया, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना? अब मेरे पास 7/2 × 7/2, आर की पावर 2 है, तो दो बार आएगा। 7 को 7 से कैंसिल किया, 2 के टेबल पे 22 कैंसिल किया, ये आ गया। तो अब ये 6 को 49 से हमने मल्टीप्लाई किया, 49 को 6 से 9 × 6 = 54, 6 × 4 = 24, 29 × 2 = 94 प्लस 11 × 7 = 77/2 आ गया, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व किया, तो कितना आ गया मेरे पास? एलसीएम लिया तो आ गया 588 प्लस 77/2, तो ये मेरे पास आ गया अल्टीमेटली 665/2, तो कितना आ गया? 332.5 cm², तो ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। हमारे पास एक डब्बा है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, आधी बॉल है, ठीक है। तो बॉल का बेस, बॉल का ऊपर वाला हिस्सा और क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा दोनों कॉमन है, दो बार काउंट हो रहा है। क्यों? एक हमने टोटल सरफेस एरिया क्यूब का काउंट कर रहे हैं और हेमिस्फीयर में भी काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक बार वो माइनस करना होगा, इसीलिए हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया? कहता हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन बॉक्स सच दैट डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब
मतलब सेम वैसे ही है। कहता है एक क्यूबिकल वुडन बॉक्स है, ये रहा क्यूबिकल वुडन बॉक्स, ठीक है, तो ये मैंने क्यूबिकल वुडन बॉक्स बना लिया। कहता है अब इसके बीच में से एक उन्होंने हेमिस्फीयर निकाल दिया, हेमिस्फीरिकल पार्ट। तो मान लीजिए ये मैंने ऐसे ये हेमिस्फीयर इसके बीच में से हमने निकाल दिया, ठीक है, डब्बे में से हमने गुलाईदार आधी बॉल टाइप हमने बीच में से कट करके फेंक दिया, तो ऊपर से खाली हो गया ये, ठीक है। कहता सर दैट डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। अब इसका डायमीटर और रेडियस, जो इसका डायमीटर है वो साइड के बराबर है, तो इसका मतलब डायमीटर अगर एल है, साइड भी एल हो गई, ठीक है, एल सेंटीमीटर है, तो फिर रेडियस कितना हो गया, एल बाय 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो कहता फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वैसे ही पता करेंगे सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे। क्यों टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बेस तो इंक्लूडेड है ना, ठीक है, बेस इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे। उसके बाद उसमें से जो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसमें से हम जो ये आधा हिस्सा वो है कट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम वैसे ही, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, वही सेम आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों, देखिए अब जब हम हेमिस्फीयर को कट कर दिया तो उसका जो सर्कुलर पार्ट है उसको तो हम काउंट करेंगे ही ना, तो इसका मतलब दो दो बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए एक बार को क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो वैसे ही यहीं से आएगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया, ठीक है, ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये क्या आ गया मेरे पास, वैसे 6 साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो साइड कितनी है, एल है, तो 6 एल स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 6 एल स्क्वायर प्लस पाई आर का कितना है, एल स्क्वायर बाय 4 हो गया, 2 इंटू 2 है, यहाँ पे एल मेरे पास एल बाय 2 है, ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, बस हो गया। अब इसको हम सॉल्व तो कर ही नहीं सकते क्योंकि एक तरफ पाई है एक तरफ 6 है, तो ये सॉल्व तो हो ही नहीं सकता, तो यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपने इसको और सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम, इसमें से एल स्क्वायर बाय 4 आप बाहर निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर बाय 4 बाहर निकाल दे तो 6 4 जा 24 प्लस पाई, ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, सेम टू सेम सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें हेमिस्फीयर ऊपर है, इसमें अंदर को कट करके दिया, ठीक है, करना सेम टू सेम वैसे ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहता अ मेडिसन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच अदर। मतलब ये एक कैप्सूल है, दवाई वाला कैप्सूल आपने देखा होगा, जिसके साइड पे कोनों पे दोनों गुलाईदार होते हैं, तो इसका मतलब वो कहता कि बीच में जो पार्ट है वो सिलेंडर है और साइड पे दोनों जो क्या है हेमिस्फीयर्स है, ठीक है, टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड्स, कोनों पे क्या है हेमिस्फीयर है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। अब पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14 mm एंड डायमीटर इज 5 mm और पूरा डायमीटर 5 mm है, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 5/2 mm हो गया। तो अगर ये 5/2 mm हो गया तो रेडियस 5/2 mm हो गया, मतलब 5/2 कितना हो गया 2.5 mm हो गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है ये हेमिस्फीयर है, तो इसको मैंने मतलब डिवाइड कर दिया कि ये हेमिस्फीयर इतना हिस्सा है, इधर भी इतना हिस्सा है, ये सारा बीच में सिलेंडर है, ठीक है, तो इसका मतलब आप हेमिस्फीयर की जो रेडियस है और हाइट सेम होती है, तो ये भी 2.5 होगी, इधर भी क्या हो गया 2.5 mm, तो इसका मतलब आप सिलेंडर की हाइट कितनी हुई, पूरा 14 है, 14 में से इधर 2.5 और इधर 2.5 माइनस करेंगे, मतलब 2.5 5, तो 14 में से 5 माइनस किए तो ये मेरे पास सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 9 mm। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें रिटर्न में भी लिखनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, तो कितना हो गया 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9 mm। अब हमने सरफेस एरिया पता करना है, तो वैसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और उनके लिए हमारे पास रेडियस भी है हाइट भी है, तो चलिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या है मेरे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू, क्योंकि एक और एक दो हेमिस्फीयर्स है कोनों पे, तो दोनों हेमिस्फीयर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, 2 × एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πR², हमें दो हेमिस्फीयर्स का चाहिए तो उन्हें 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 × π की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है मेरे पास 5/2, हाइट कितनी है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास है 9, ठीक है, प्लस 2 × 2 = 4 हो गया, × π 22/7, आर कितना है 5/2, अब आर की स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, ठीक है। तो अब इन्हें कैंसिल करते हैं, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इससे और ये 2 इससे, ठीक है। तो अब नीचे और ऊपर देखते हैं क्या बचा, यहाँ पे नीचे 7 बचा, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110, 110 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 990 आ गया, प्लस 5 5, यहाँ पे भी नीचे 7 आ गया, तो 5 5 = 25, 25 को 2 से हम 25 को हमने 22 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा देखते हैं। अब हम 25 को 22 से 5 2 का 10, 2 2 का 4 1 5, 2 5 का 10, 2 2 का 4 1 5, तो 550 आ गया, तो ये आ गया 550। अब नीचे 7 सेम है तो वैसे ही लिख लें, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास 1540 आ गया। अब ये 7 के टेबल पे कट किए तो कितना आ गया 220 mm². तो इसका मतलब कैप्सूल का पूरा सरफेस एरिया कितना है 220 mm², है ना इजी। देखने में लगता है हाय पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, कैप्सूल है, पर एक्चुअल में क्या है, हमने इसको तोड़कर पहले पहचान कर लेनी कि साइड पे या बीच पे स्टेप बाय स्टेप कौन सी फिगर बन रही है, फिर उनका एरिया पता कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता ए टेंट इज इन शेप ऑफ ए सिलेंडर सर माउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, मतलब क्या है, कहता एक हमारे पास सिलेंडर है जिसको सरमाउंटेड, जिसको जिसके ऊपर क्या है कॉनिकल है, एक सिलेंडर है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, कहता एक मेरे पास क्या है सिलेंडर है, तो ये रहा मेरे पास एक सिलेंडर ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब सिलेंडर ये रहा, मैं एक सिलेंडर बना रही हूँ, तो ये रहा मेरे पास सिलेंडर, ठीक है। तो अब कहता है सिलेंडर बाय और सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, मतलब इसके ऊपर क्या है एक कोन है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस तरह की हमारी फिगर बन गई। इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1, मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.1 है, डायमीटर कितना है 4 है, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया, ठीक है। तो कोन का भी रेडियस तो सेम ही होगा। फाइन एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन इज 2.8, अब ये स्लांट हाइट है कोन की, तो ये कितनी दी है 2.8 मीटर दी है मुझे। कहता फाइंड एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर रेंट टेंट, ठीक है। कहता अब इस टेंट, ये एक तरह का टेंट है जिसकी शक्ल ऐसी है, तो कहता इस टेंट पे हमने कैनवास लगाना है तो कितना कैनवास यूज होगा पता करना है। दूसरी बात उसने क्या कहा, कहता ऑल्सो कॉस्ट ऑफ टेंट एट 500 rupees per meter square, कहता और कॉस्ट भी पता करनी है कि कितना खर्चा आएगा अगर 1 meter square के, मगर कितने पैसे लगते हों, 500 रुपये लगते हों, ठीक है। और नोट क्या दिया है, कहता नोट दैट बेस ऑफ टेंट विल नॉट इंक्लूडेड इन कैनवास, अब कहता इसका जो कैनवास का बेस है, मतलब सिलेंडर का बेस इंक्लूड नहीं करना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें अगर बेस इंक्लूड नहीं करना तो अकेला फिर क्या करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि टोटल में तो बेस और टॉप इंक्लूड करते हैं, तो इसमें बेस तो इंक्लूड ही नहीं करना, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, अकेला कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और फिर ऊपर कोन का भी क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो चलिए सारा कुछ हमें दिया ही हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं हम कर्व सरफेस एरिया को लेकर। तो पहले चीज क्या है हमारे पास, अब मेरे पास रेडियस कितना है 4/2 है, तो कितना आ गया 2 meter आ गया, ठीक है। अब हमने पता करना है सबसे पहले एरिया ऑफ कैनवास, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही आएगा, ठीक है। अब सिलेंडर का क्या है मेरे पास 2πRh है, 2πRh
कोन का क्या है, पाई आर एल। अब हमारे पास सिलेंडर का रेडियस है 2, हाइट भी है, आर इसका कोन का रेडियस भी है, एल वो भी दी हुई है। तो चलिए फिल करते हैं, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस तो सेम ही है कोन और सिलेंडर का, इंटू हाइट। अब सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2.1 + 22/7 रेडियस सेम 2, इंटू एल कितना है, अब सिलेंडर का स्लांट हाइट कितनी है, 2.8 ये है। तो चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं। अब ये पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो पॉइंट को हटा के नीचे एक जीरो और साथ में 1, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे एक जीरो और साथ में 1। अब कैंसिल करते हैं, 7 × 7 = 7, 7 × 3 = 21 ठीक है। यहाँ पे 7 × 7 = 7, 7 × 4 = 28 ये आ गया। अब अगर मैं करूँ तो इसको अब यहाँ पे नीचे 10 है प्लस यहाँ पे भी नीचे 10 है, तो ऊपर करूँ 4 × 2 = 8, 8 को 22 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 22 से 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 = 1, तो 176 आ गया मेरे पास ठीक है। तो अब इधर देखना है मैंने, इधर कितना आएगा मेरे पास, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, 4 × 2 = 6, तो 264 आ गया। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 6 × 4 = 10, ऊपर आ गया 8 × 6 = 14, ऊपर आ गया 3 × 1 = 4, 4 × 40/10 आ गया, ये 0 कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया, 44 m². तो एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया मेरे पास, 44 m². अब हमने इसमें कॉस्ट भी पता करनी है, उन्होंने है ना कि कॉस्ट ऑफ कितना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट इतनी पता करनी है। तो 1 m² पे कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 m² 500 rupees है ठीक है। तो 44 m² पे कितनी होगी, 44 m² = 44 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, तो कितना आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 44 को 5 से, पीछे दो जीरोस तो वैसे की वैसे लग जाएंगी, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 22 तो ये आ गया 22, तो कितने रुपीस आ गए, 22,000। तो ये आ गया कि इस खर्चा कितना आएगा कैनवास करने का, 22,000 रुपए ठीक है। तो ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। अब ये आपके 13.1 एक्सरसाइज में से है क्वेश्चंस, आपने इसमें से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।